अब पाकिस्तान अपने देश के लिए मिसाइलें नहीं बना पाएगा। अब पाकिस्तान मिसाइलों को बनाने के लिए चीन की मदद नहीं ले पाएगा। अब पाकिस्तान उन कंपनियों से भी मदद नहीं ले पाएगा जो पाकिस्तान के लिए हथियारों का निर्माण करते हैं, क्योंकि अमेरिका ने पाकिस्तान के लिए ऐसा कदम उठाया जिससे पाकिस्तान पूरी तरीके से लाचार हो गया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज, आप देख रहे हैं शेष भारत। पाकिस्तान में ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी 22 अप्रैल को 3 दिनों की यात्रा पर पाकिस्तान पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले अमेरिका ने पाकिस्तान को तगड़ा झटका दे दिया है। अमेरिका ने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल के लिए आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करने के लिए 3 चीनी कंपनियों और बेलारूस स्थित एक फर्म के खिलाफ प्रतिबंध लगा दिया है। यानी ये कंपनियां अब पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल के लिए काम नहीं कर पाएंगी। दरअसल पाकिस्तान का चीन सदाबहार सहयोगी है जो पाकिस्तान के सैन्य हथियारों और रक्षा उपकरणों को बनाता है, लेकिन सवाल यह है कि क्या ईरान के राष्ट्रपति का पाकिस्तान में दौरा हो रहा है? इसलिए अमेरिका ने ऐसा किया क्योंकि अमेरिका और ईरान कट्टर दुश्मन देश हैं, और कहा जा रहा है कि एक वजह यह भी हो सकती है क्योंकि ईरान के राष्ट्रपति के पाकिस्तान दौरे से ठीक पहले अमेरिका का ऐसा करना कई सवालों को जन्म दे रहा है, क्योंकि ठीक इसी तरीके से इससे पहले बाइडेन सरकार ने ईरान पर कई प्रतिबंध लगाए थे। ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल के खिलाफ प्रतिबंध लगा दिए गए थे। अमेरिका ने ईरान के कई जहाजों और हथियार बनाने वाली कंपनी पर भी प्रतिबंध लगाए थे। अमेरिका ने जिन जिन पर प्रतिबंध लगाए थे उनके संबंध हांगकांग, वेनेजुएला और चीन से जुड़े थे। ये ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन कार्यक्रमों में मदद करते हैं। ठीक इसी तरीके से अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ भी किया, क्योंकि पाकिस्तान को जो कंपनियां हथियार मिसाइल बनाने में मदद करती हैं वो ज्यादातर चीन की हैं, इसलिए अमेरिका ने ये बड़ा कदम उठाया। यानी ईरान और पाकिस्तान दोनों के साथ अमेरिका ने एक ही जैसा बर्ताव किया, जिससे ये समझा जा सकता है कि अमेरिका को ईरान और पाकिस्तान की दोस्ती बिल्कुल पसंद नहीं। हाँ, लेकिन ईरान और पाकिस्तान की जब दुश्मनी होती है तो अमेरिका को वो जरूर पसंद आती है, क्योंकि पिछले दिनों जब ईरान और पाकिस्तान की दुश्मनी हुई तो अमेरिका ने पाकिस्तान का साथ दिया, लेकिन अब ईरान पाकिस्तान की दोस्ती अमेरिका को रास नहीं आ रही है। दरअसल ईरान और पाकिस्तान की पहले काफी दुश्मनी हुआ करती थी। दरअसल ईरान ने इसी साल जनवरी में पाकिस्तान में आतंकी समूहों पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया था, जिसके जवाब में पाकिस्तान ने भी ईरान के कुछ इलाकों में हमला किया। इन हमलों से दोस्त रहे दोनों इस्लामिक देशों के बीच तनाव हो गया था, जब अमेरिका ने उस वक्त पाकिस्तान का साथ दिया था, क्योंकि अमेरिका ईरान का कट्टर दुश्मन है। लेकिन अब जब ईरान और पाकिस्तान नजदीक आ रहे हैं तो ये बात अमेरिका को रास नहीं आ रही है। दरअसल अमेरिका, इसराइल और उसके दूसरे सहयोगी लगातार ये कहते रहे हैं कि ईरान कई आतंकी गुटों को पाल रहा है। अमेरिका का कहना है कि गाजा में हमास, लेबनान में हिजबुल्लाह और यमन में हूतियों को संरक्षण ईरान ही दे रहा है। ये तीनों ही गुट अमेरिका के लिए लगातार मुसीबत बने हुए हैं। खासतौर से गाजा युद्ध के बाद इन गुटों ने लगातार अमेरिका और इसराइल के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। इन गुटों के ठिकाने पर अमेरिका और सहयोगियों ने हमले भी किए, लेकिन ईरान के साथ वो सीधे टकराव से बचते दिखे हैं। लेकिन जब ईरान में पाकिस्तान ने हमला किया था तो अमेरिका को भी ऐसा करने का हौसला मिल सकता था, यानी अमेरिका भी सीधे ईरान पर हमला कर सकता था, लेकिन अमेरिका ऐसा नहीं कर पाया क्योंकि ईरान और पाकिस्तान की अब नजदीकियां बढ़ने लगी हैं। वहीं दूसरी ओर अमेरिका, इसराइल, ब्रिटेन इस बात से भी खुश थे कि ईरान एक और मोर्चे पर उलझ गया है। ईरान की पाकिस्तान से तनातनी रहेगी तो ईरान, यमन और दूसरी जगहों पर अमेरिका से लड़ रही मिलिशिया और कई आतंकवादी संगठनों को कम मदद पहुंचा पाएगा। लेकिन ईरान और पाकिस्तान के बीच तनाव ज्यादा दिनों तक नहीं चल सका और धीरे धीरे पाकिस्तान और ईरान एक बार फिर से नजदीक आ गए, जिसकी तस्वीर अमेरिका को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। और यही वजह रही कि जिस तरह से अमेरिका ने ईरान पर कई प्रतिबंध लगाए, अब ठीक उसी तरीके से अमेरिका पाकिस्तान पर भी प्रतिबंध लगा रहा है, जो ये साफ दिखा रहा है कि अगर ईरान और पाकिस्तान की और नजदीकियां बढ़ी तो अमेरिका पाकिस्तान पर कई और बड़े प्रतिबंध लगा सकता है, जो पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं होगा। और अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान आगे आने वाले समय में कोई भी हथियार और मिसाइल नहीं बना पाएगा, जो पाकिस्तान के लिए सबसे बुरा दौर होगा। फिलहाल ऐसे और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।